दोस्तों, अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो फिर आज मार्केट में हर रेंज और स्पीड के साथ स्कूटर मिल जाएंगे। इनकी कीमत 40-50 हज़ार रुपये से शुरू भी हो जाती है, मगर अभी भी लोग हाई परफॉर्मेंस वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें आपको फुल चार्ज में अच्छी रेंज मिल जाती है। हाई परफॉर्मेंस वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत आपको देखने को मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ 5 ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर की जिनकी रेंज आपको देखने को मिलती है 150 किलोमीटर। इन इलेक्ट्रिक स्कूटर की खास बात यह है कि इसकी रनिंग कॉस्ट लगभग 1 रुपये पर किलोमीटर पड़ता है। आइए बात करते हैं इन स्कूटर के बारे में डिटेल से। पहला स्कूटर है वह हीरो का बीड़ा V1। हीरो मोटरकॉर्प के सब ब्रांड बीड़ा ने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर बीड़ा V1 लॉन्च किया था। स्कूटर 2 वेरिएंट में बीड़ा V1 प्लस बीड़ा V1 प्रो में आता है। फीचर्स और स्पेक की बात करें तो दोनों वेरिएंट 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड के साथ में आते हैं, लेकिन V1 प्रो 3.2 सेकंड में 0-40 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकता है, जबकि बीड़ा V1 प्लस जो है वो सेम दूरी के लिए 3.4 सेकंड लेता है। अगर रेंज की बात करते हैं तो बीड़ा V1 प्रो और बीड़ा V1 प्लस जो है वो 163 किलोमीटर 143 किलोमीटर की रेंज के साथ में आते हैं। दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में पोर्टेबल बैटरी पैक देखने को मिलता है, जिससे 65 मिनट से भी कम में चार्ज 0-80% कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों बीड़ा V1 मॉडल जो हैं स्मार्ट फीचर से लैस हैं। इसमें आपको पार्किंग असिस्टेंस, लोकेशन नेविगेशन, राइडिंग मोड्स, ट्रिप एंड इलेक्ट्रिक्स जैसी सुविधाएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इसमें 7 इंच का टेस्ट डिस्प्ले भी मिलता है। बीड़ा V1 प्लस V1 प्रो की कीमत 1,28,000 रुपये से लेकर 1,39,000 रुपये की एक्स रूम है। इसमें फेम सेकेंड और राज्य सब्सिडी शामिल है। बात करें सेकेंड की तो वह ओकिनावा का OK19। ओकिनावा का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर भी आपके लिए एक ऑप्शन साबित हो सकता है। कीमत की बात करें तो पोस्ट फेम सेकंड सब्सिडी के तहत आपको 1,01,866 रुपये में मिल जाता है। ओकिनावा OK90 स्कूटर 2 राइडिंग मोड्स के साथ में आता है। 0-90 किलोमीटर पर आर की रफ्तार के साथ सिर्फ 10 सेकंड में पकड़ सकता है। इको मोड में राइडर आसानी से 55-60 किलोमीटर तक, स्पोर्ट मोड में 85-90 किलोमीटर तक की स्पीड पकड़ सकते हैं। इसमें 72 वाट का 50 लिथियम ऑयन की बैटरी देखने को मिल जाती है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। OK90 का एक बार चार्ज करने पर 160 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है। इसमें 16 इंच की व्हील्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा LED हेडलाइट, टेल लाइट्स भी देखने को मिल जाती है। स्कूल में 40 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। इस स्कूटर में 3.6 किलोवाट की डिटैचेबल लिथियम ऑयन बैटरी का यूज किया गया, जिसे आप हटा सकते हैं। बेहतर ब्रेकिंग के लिए इसमें फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। 1 घंटे में 0-80% तक से आप चार्ज सेट करते हैं, लेकिन इस बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने के लिए लगभग 4 घंटे का टाइम लगता है। OK90 को 4 कलर ऑप्शन में देख सकते हैं, वाइन रेड, एस ग्रे, ब्लैक और ग्लॉसी व्हाइट। थर्ड वन की बात करते हैं तो वह एथर का एनर्जी 450X Zen 3। एथर एनर्जी का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर भी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। एथर का एनर्जी 450X Zen 3 में आपको पावरफुल मोटर का यूज किया गया, जो कि 8.7 BHP के पावर जनरेट करता है। इसकी ARAI सर्टिफाइड राइडिंग रेंज 146 किलोमीटर है। इसमें टायर के लिए एक नया ट्रेंड प्रोफाइल के साथ ही नया प्रेस टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। यहाँ तक कि इसके डिजिटल डैशबोर्ड को भी ज़्यादा रैम के साथ अपग्रेड किया गया है, ताकि चलाते समय आसानी हो। स्कूटर को अलग अलग राइडिंग मोड्स, वार्प, स्पोर्ट, राइड, स्मार्ट इको, इको मोड में आप चला सकते हैं। हालांकि स्कूटर की रेंज आपको सिलेक्ट किए मोड के आधार पर अलग अलग हो सकती है। इस बैटरी को चार्जिंग के टाइम 0-80% चार्ज होने में लगभग 4.5 घंटे का टाइम लगता है, जबकि 100% चार्ज होने में 6 घंटे का टाइम लग जाता है। इसमें LED बैकलाइट के साथ 7 इंच का LCD टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है। ये स्क्रीन सभी जरूरी जानकारी जैसे कि रियल टाइम स्पीड, चार्जिंग, रेंज, कनेक्टिविटी, इस सबको दिखाती है। एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया में 1,37,612 रुपये में आपको मिल जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट वन की तो वह हीरो का इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा CX। हीरो का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। वैसे भी इंडियन मार्केट में हीरो के इलेक्ट्रिक स्कूटर को काफ़ी पसंद किया जाता है। ये 0.55 किलोवाट के साथ में आता है। दोनों पहियों पर आपको कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आगे और पीछे दोनों तरफ ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। ये 2 वेरिएंट में आपको मौजूद है, सिटी स्पीड HX और कम्फर्ट स्पीड LX। इसे आप 4 किलो ऑप्शन में खरीद सकते हैं। HX वेरिएंट को हाईएस्ट स्पीड वर्जन कहते हैं, जिसमें 2 बैटरी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, सिंगल बैटरी और डुअल बैटरी, जो 82 किलोमीटर 122 किलोमीटर की रेंज के साथ में आते हैं। इसकी टॉप स्पीड 45 किलोमीटर पर आ रहा है। आपको अपने मोबाइल डिवाइस को चार्ज करने के लिए एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, USB पोर्ट और अपनी राइडिंग रेंज को बढ़ाने के लिए रीजनेटिव ब्रेकिंग जैसी सुविधाएं देखने को मिल जाती है। इसकी कीमत है 77,490 रुपये। बात करते हैं पांचवें की तो वह ओला का S1 एयर। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का ओला S1 एयर काफी किफायती रेंज में देखने को मिलता है। ओला इलेक्ट्रिक का दावा है कि ओला S1 एयर पर चार्ज इको मोड में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 2.47 किलोवाट का बैटरी पैक मिल जाता है। ये ओला S1 प्रो की
3.97 किलोवाट बैटरी से छोटी है। बैटरी को फुल चार्ज होने में लगभग 4.5 घंटे का टाइम लगता है। ओला S1 एयर में 4.5 किलोवाट की मोटर देखने को मिलती है। इस स्कूटर की टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आ रहे ओला S1 एयर 4.3 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर की स्पीड पकड़ने का दावा करती है। S1 एयर हालांकि काफी हल्का और इसका वजन 99 kg है। इसमें टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉर्क और ट्विन रियर शॉक ऑब्जर्वर भी देखने को मिल जाते हैं, जबकि दोनों पहियों को ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। इसमें 7 इंच का TFT डिस्प्ले मिल जाता है जो कि S1 प्रो में भी है। ये रिवर्स बटन हिल होल्ड फंक्शनलिटी मल्टीपल प्रोफाइल सेटअप और प्रॉक्सिमिटी अलर्ट के साथ में आता है। साथ ही रिसेंटली में लॉन्च किया गया मूव ऑपरेटिंग सिस्टम 3 स्टैंडर्ड के रूप में देखने को मिलता है। कार्गो स्पेस थोड़ा सा कम देखने को मिलता है इसमें। ये S1 प्रो 36 लीटर की तुलना में 34 लीटर है, लेकिन फ्लैट फ्लोर वेट से ज़्यादा चीज़ें रखने में काफ़ी आसानी होती है। ओला S1 एयर जो है उसकी प्राइस है 84,999 रुपये। दोस्तों ये 5 ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जो कि काफ़ी बेस्ट हैं, जो कि 1.5 लाख रुपये से कम की प्राइस में आते हैं और इसमें लगभग आपको 150 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल जाती है।